नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने आज तक आपको कई सारे तरीके बताए हैं जिससे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अब उन तरीकों ने काम करना बंद कर दिया या फिर वो आपको बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन देने वाला हूं जिसमें कि आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ 1.5% के चार्ज के साथ में। वैसे तो मैं इस ऐप के बारे में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन इस ऐप में अब एक नया फीचर जोड़ा गया है रेंट पे, जिसमें कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी के भी अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं, सिर्फ 1.5% का चार्ज आपको लगेगा। तो इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेड एप्लीकेशन। आप कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। बाकी चीजें मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह से इस ऐप से पैसे को बैंक में ट्रांसफर करना है। दोस्तों, ये ऐप पहले जो है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट के लिए काम में लाया जाता था, जिसमें कि आपको इतने का आप पेमेंट करते थे क्रेडिट कार्ड के बिल का, उतने ही रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते थे, जिनसे कि आप बहुत सारे वाउचर ले सकते थे। आप ई वाउचर, खाने पीने के वाउचर, कपड़ों के वाउचर लेते थे तो आपको फायदा होता था। बाकी ये एप्लीकेशन में आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज कर पाते थे। अब जो नया फीचर आया है रेंट पे का, जिसमें कि आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, मैं आपको लेके चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूं कि आप किस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके क्रेड ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। क्रेड ऐप पहले क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब आप इससे रेंट पे करके अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं, इनके पेमेंट मैंने किए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप इससे पे करते हैं तो आपको काफ़ी सारे कॉइन मिलते हैं, जितने का आप पेमेंट करते हैं उतने ही कॉइन मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने यहाँ से क्लेम करें रिवॉर्ड, 32 रिवॉर्ड क्लेम किए। नीचे यहाँ पे नया ऑप्शन आ गया है पे रेंट का, तो हमें इसी का इस्तेमाल करके अपने पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है, क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे आप इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देगा कि आप कितना अमाउंट जो है पे करना चाहते हैं। तो आपको जितना अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में चाहिए वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और 1000 रुपये मैंने यहाँ पे डाला था लेकिन उसने लिया नहीं, कम से कम 2500 रुपये होने चाहिए। तो ये आप डालेंगे, यहाँ पे 2500 रुपये मैं डाल देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो मुझसे यहाँ पे और बेसिक डिटेल कुछ मांगी जाएंगी तो वह भी डाल के आगे बढ़ जाता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि अगर आप इससे पे करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड पे जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर 3.3 मोर रिवॉर्ड मिलेंगे आपको। और 45 दिन तक आपको कुछ पे नहीं करना है। इसके बाद आप उस क्रेडिट कार्ड पे खर्च करके इसी ऐप से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करेंगे तो आपको क्रेडिट कॉइन भी मिलेंगे, जो कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर उनसे बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐप ही क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर इनके बाद में आप देख सकते हैं नीचे प्रोसीड करने के लिए, मैंने UPI से प्रोसीड नहीं किया है, मैंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से प्रोसीड किया है। तो आपको यहाँ पे अपने लैंडलॉर्ड का अकाउंट नंबर और UPI डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, IFSC कोड, अकाउंट नंबर। तो लैंडलॉर्ड मतलब आप दोस्त का नंबर लीजिए अकाउंट नंबर, या फिर अपने फ्रेंड का, फैमिली का, उनका यहाँ पे डाल दीजिए। मैं UPI का चुनाव कर रहा हूँ क्योंकि अकाउंट नंबर डालने में इतना मेहनत कौन करे। UPI डालने के बाद में मैं आगे यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ। तो आप अपने दोस्त का डाल दीजिए, फैमिली में डाल दीजिए, या फिर आपका कोई और अकाउंट है उसको भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद में यहाँ पे आप रहते हैं वो एड्रेस मांगा था वो डाल दीजिए आप, कुछ भी जैसे कोई ज़्यादा जानकारी दे दीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट आपको करना है। प्रोसीड टू पेमेंट आप करेंगे, आप देख लो 3800 रुपये सिर्फ लग रहे हैं, यानी कि 2500 रुपये पे 3800 रुपये लग रहे हैं, जो कि 1.5% बनता है, मैंने निकाल के देखा। इसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं, इसमें GST भी इंक्लूसिव है। तो आपको सिर्फ 1.5% चार्ज देना है अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड हैं क्योंकि ये कार्ड इसमें ऐड रहते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही कार्ड्स का पेमेंट करने के लिए बना था, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए बना था। तो यहाँ पे मेरे पहले से ही कार्ड जो है ऐड हो रखे हैं, तो मैं किसी एक कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, उसी से पेमेंट कर दूँगा। तो ये पैसा जो है 2500 रुपये मेरे दूसरे अकाउंट में पहुँच जाएगा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि बिल पे किया है मैंने, रेंट पे किया है उसका। तो उस तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा। मैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट और CVV डाल के आगे बढ़ चुका हूँ। अब मुझे OTP डालना होगा, वो भी मैं यहाँ पे डाल के आगे बढ़ जाऊँगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पैसा है आप रेंट पे के द्वारा किसी दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं, सिर्फ 1.5% की इंटरेस्ट लगेगी और आपको 45 का
डेज का टाइम मिल जाएगा। तो बिल पे सक्सेसफुली हो चुका है और इसी से रेंट पे सक्सेसफुली हो चुका है और इसी से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जब भी आएगा वो पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको 10 जेम्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आप और जेम्स बढ़ाएंगे तो आपको 50 जेम्स के ऊपर जो है 1000 का वाउचर मिल जाएगा और आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा आपके पहले बिल पेमेंट का। ये आपको फ़ायदा यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मैंने कितने रिवॉर्ड्स अब तक कमाए हैं इस ऐप से, मतलब अंधाधुंध आप कमाई कर सकते हैं। और ये कोई टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं है, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं कि इस ऐप के माध्यम से मैं कब से ही इस यहाँ से क्रेडिट कार्डों के बिल पे कर रहा हूँ और अब तक सही चल रहा है। फ्री चार्ज वाली जो कंपनी है उन्होंने इस ऐप को बनाया है। तो यहाँ से आप जो रेंट पे के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्डों के बिल अपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप देखिए क्लेम रिवॉर्ड में आपको दिखाता हूँ कि मैंने अब तक यहाँ से कितने रिवॉर्ड जीते हैं क्रेडिट कार्डों के बिल करने के बाद में। किसी और का रेफरल यूज़ किया था मैंने, तो मैंने फ्लिपकार्ट के 500 के वाउचर, अमेजन के कितने सारे वाउचर हैं आप देख लो, 1000 जो मैंने जीते हुए हैं यहाँ से। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और इंस्टॉल करें। यहाँ से ही आप अपने जो है क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र कर लीजिए, उसके बाद में यहीं पे ही क्रेडिट कार्ड के बिल भर दीजिए। एक ही एप्लीकेशन में आप दोनों काम कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिवॉर्ड्स में जाके लाइफस्टाइल में रिवॉर्ड्स भी ले सकते हैं, कुछ भी जो आप लेना चाहें। तो यही है, आप देख सकते हैं कितने बार मैंने पेमेंट भी यहाँ से किया हुआ है। तो काफ़ी ठीक एप्लीकेशन है और कन्वीनियंट है आपके लिए। दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपसे कोई 1.5% का चार्ज लेके आपकी तत्कालीन ज़रूरत को पूरा कर दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप इस ऐप के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिर्फ 1.5% का चार्ज लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।